राजधानी रायपुर के दो क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। चंगोरा भाटा और रावा भाटा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। इस क्षेत्र में आने वाले सभी दुकान, ऑफिस और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे और साथ ही अनावश्यक लोगों के घर बाहर निकलने पर कार्रवाई भी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि रायपुर में कल कोरोना के दो मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर के दो क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है वो पूरी तरह से सील किया गया है। यहाँ पर जगह जगह सैनिटाइजर छिड़काव किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर सड़क के पास जो है ब्लीचिंग पाउडर का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर मुस्तैद है और जो अनावश्यक घर से बाहर निकलेंगे उस पर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और यहाँ पर जो आवश्यक सेवाएं जैसे कि मेडिकल सेवाएं वो ही सिर्फ खुली रहेंगी और बाकी जो ऑफिस है या फिर किसी भी तरह की दुकानें हैं वो तमाम दुकानों को बंद रखने का जो आदेश है वो दिया गया है। आपको बता दें कि रायपुर में कल जो है कोरोना के दो मरीज मिले हैं जिसकी वजह से दोनों इलाकों को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। तो वहीं छत्तीसगढ़